वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल गाइस। कुछ दिनों पहले मैं मैच के दौरान च्युइंगम खा रहा था, उसी दौरान मैंने सोचा कि ये च्युइंगम जैसी इंटरेस्टिंग चीज़ आखिर किसने बनाई होगी, आखिर कौन था वो शातिर दिमाग वाला इंसान जिसने इतनी स्वीट च्युइंगम बनाई। मैच के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की इंटरनेट पर च्युइंगम के बारे में, तो मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बात जानने को मिली च्युइंगम के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए च्युइंगम के आविष्कार के पीछे की पूरी कहानी। तो आइए जानते हैं च्युइंगम के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। च्युइंगम के इन्वेंशन की शुरुआत होती है 21 साल के जॉन कर्टिस से, जिन्हें काफ़ी समय से कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें एक जॉब मिलती है जिसमें उनका काम था उगी झाड़ियों को काट कर सफाई करना। अपने इसी काम के दौरान उसने अपने और फ्रेंड्स की तरह स्प्रूस नाम के पेड़ से गिरने वाले रस, जिसे सेप या गम कहा जाता है, उसे चबाना शुरू कर दिया। स्प्रूस पेड़ से गिरने वाली ये चीज़ चबाने में अच्छी तो लगती थी, लेकिन उसमें एक खराबी थी, ये गम तुरंत ही अपनी स्वीटनेस को खो देता था और उसी के साथ इसे चबाने का मजा भी ख़त्म हो जाता था। तो अपने जॉन कर्टिस भाई साहब ने इस गम को ज़्यादा देर तक फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए अपनी मोम के स्टोर पर इसे पकाना शुरू कर दिया, और अपने एक्सपेरिमेंट की सक्सेस से एक्साइटेड हुए जॉन ने अपने अगले कदम पर इस गम में डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स को मिक्स करना शुरू कर दिया। जॉन कर्टिस के दोनों एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे, उसने जो गम बनाया न सिर्फ ज़्यादा देर तक टिकता था बल्कि वो डिफरेंट फ्लेवर का भी था। जॉन ने अपने बनाए इस गम को बेचने का मन बनाया और झाड़ियों को काटने का काम को छोड़ दिया, और अब उसने अपना पूरा पावर स्टेट ऑफ मेन पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अब यहाँ से जॉन कर्टिस के प्रोडक्ट को रेप्यूटेशन मिल गई थी। पहले जहाँ काटने वाले काम से जॉन को पर वीक $5 की इनकम होती थी, वहाँ पे अब जॉन हजारों डॉलर कमाने लगे थे। जॉन कर्टिस ने अपने वंडरफुल प्रोडक्ट से अपने बिजनेस के पहले ही साल में 5000 नेट प्रॉफिट किया, और इसी तरह से च्युइंगम पूरे विश्व में मशहूर हो गई। च्युइंगम के फैक्ट्स जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। च्युइंगम के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो एक स्टडी के मुताबिक च्युइंगम आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। स्टडी से ये भी पता चलता है कि च्युइंगम लॉन्ग टर्म वर्किंग मेमोरी में सुधार और मांसपेशियों में तनाव को कम करने और अलर्टनेस को भी बढ़ा सकता है। अकेले अमेरिका में एक वर्ष में उतनी च्युइंगम बेची जाती है जिसे अगर सीधा बिछा दे तो 5.6 मिलियन किलोमीटर लंबी हो जाएगी। ये उतनी लंबी होगी कि इससे मून तक पहुंचने और 7 बार वापस आया जाए उतनी लंबी होगी। कहा जाता है कि खाने के बाद च्युइंगम चबाने से नाराजगी को रोकने में मदद मिल सकती है। मैंने तो वैसे अभी तक ट्राई नहीं किया है, अगर आपसे कोई नाराज है तो उसे खाने के बाद च्युइंगम खिलाए, क्या पता मान जाए। अब तक का सबसे बड़ा बबल 23 इंच डायमीटर का था, जिसे 19 जुलाई 1994 को फ्रेंसनो में सुसान मोंटागोमरी विलियम्स ने फुलाया था। आपको पता है पहले सक्सेसफुल बबल गम का रंग पिंक था, क्योंकि ये रंग ऐसा था जिसे इन्वेंटर ने छोड़ दिया था एक्सपेरिमेंट करते वक्त, मतलब पिंक को छोड़ के बाकी सब रंग पे एक्सपेरिमेंट कर लिया था इन्वेंटर ने। तो दोस्तों बस इसी के साथ आज की इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई इन्वेंशन की वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।